हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई, जो कि सिर्फ 2 चम्मच घी में तैयार होगी। और इसको इसके लिए हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है और चीनी भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसको गुड़ के साथ बनाएंगे और बहुत सारी हेल्दी चीज़ों के साथ बनाएंगे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ये ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, टेक्सचर देखें आप इसका, कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल हलवाई जैसी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाजार से हमने खरीदी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट। हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, जिनकी नज़र कमज़ोर है और जिनके सर में दर्द रहता है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके लिए चीज़ें हमें जो चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये मैंने 1 कप भर के लिया है चने, और आधा कप मैंने मूँगफली ली है, ये भुनी हुई मूँगफली है, और इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। और 1 कप मैंने इसमें गुड़ लिया है, इसको मैंने बारीक पीस लिया है, और ये देसी गुड़ है। आप भी गुड़ का ही इस्तेमाल करें, चीनी चीनी से इतने अच्छे नहीं बनते हैं। गुड़ थोड़ा हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए गुड़ यूज़ किया है। और ये मैंने लिया है नारियल का बुरादा। आप जो खोपरा आता है, जो सूखा हुआ होता है, उसको ग्राइंड कर सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन 15-16 काजू ले लिए हैं और 15-16 बादाम ले लिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्राई पैन रखा है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रोस्टेड हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि पीसने में आसानी हो। ये मैंने काजू भी इसमें डाल दिए हैं और ये मैंने बादाम भी इसमें डाल दिए हैं। इसको स्लो आग पे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये हमने 1.5 से 2 मिनट इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इनको एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। के साथ ही हमने जो गुड़ लिया है, ये थोड़ा सा जैसे मोटा है तो इसको भी साथ ही डाल देंगे, ये भी ग्राइंड हो जाएगा। और ये हमने आधा कप तकरीबन नारियल का बुरादा लिया है, ये भी हम साथ ही इसके ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेंगे। देखिए, ये मैंने पीस लिया है, ये 2 प्लेटों में है, ये पीस के मैंने रख लिया है। अब हम इसको दोबारा से कढ़ाई के ऊपर रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। देखें, घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हमने जो ये पीस के पाउडर बनाया है, ये सारा पाउडर जो है हम इसमें डाल देंगे और इसको हमने स्लो आग पे अच्छे तरीके से भूनना है, जब तक कि हमारा गुड़ जो हमने इसमें डाला है वो मेल्ट ना हो जाए। अभी तो ये देखें बिल्कुल ड्राई लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही गुड़ पिघलने लगेगा तो ये सारा मिक्सचर जो है वो गीला हो जाएगा। ये देखें, जैसे जैसे ये भुनता जा रहा है, खुद ही ये इसका खुश्कपन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ये देखें, खुद ही मेल्ट होता जाएगा गुड़। और इस तरह अगर आपको कोई इस तरह को लम्स वगैरह इस तरह महसूस होता है तो उसको आप इस तरह करके साथ साथ तोड़ते जाएं। ये देखें, जैसे जैसे ये गर्म होता जा रहा है तो ये खुद ब खुद ही गुड़ पिघल के, और ये देखें इस तरह एक डो की शक्ल में ये आ रहा है। तो अभी हम चूल्हे को कर देंगे बंद। अगर हमने इसको ज़्यादा देर पकाया तो ये मिठाई जो हमारी है वो कड़क बन जाएगी, तो इसको हमने कड़क नहीं करना है, ये सॉफ्ट मिठाई बनेगी। तो ये देखें, अभी मैं इसको बंद करके निकालते हैं। मैंने एक ट्रे ले ली है छोटी सी, और इसमें मैंने बटर पेपर रखा है ताकि हम इसको बर्फी की तरह जमाएंगे तो ये बटर पेपर की वजह से ये आसानी से निकल जाएगी। तो अभी इसमें हम डाल देंगे सारा मिक्सचर, मैंने इस ट्रे में रख लिया है। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, बराबर सेट करेंगे इसको हम। ये देखें, मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर काजू लगा देंगे, आपकी मर्जी है आप काजू लगाएं या फिर बादाम लगाएं। जितने जितने पीस आपने काटने हैं उतने उतने फासले पे आप इसमें काजू लगा दें। तो मैं इतने पीस बनाऊंगी, इस पर मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, हमने सारे ये काजू ऊपर लगा दिए हैं। अब हम 10 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर 10 मिनट के बाद इसको काटेंगे। हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फी जो है
बन गई है। अब हम इसको काट लेंगे, आप अपनी पसंद से जैसे भी पीस काटना चाहें। देखें कितने जबरदस्त हमारे पीस कटे हैं। अब हम इस तरफ से ऐसे करके इसको काटेंगे। देखें सारे पीस हमने काट लिए हैं, ये देखें कितनी जबरदस्त मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है। अब हम इसको इसमें प्रेजेंट करेंगे इस तरह। ये देखें कितनी जबरदस्त सी हमारी बर्फी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।